अरे किसान भाइयों, राम राम किसान भाइयों, ये की बीज ले जाते हुए किसान आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन बीजों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद है, आइए उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए हैं? हम देहरागढ़ से आए हैं जी, जिला संगरूर जी, पंजाब से। अपने किसान भाइयों को बताइए कि जो आप यहाँ पर आए हैं बीज लेने के लिए, तो यहाँ कौन कौन सी वैरायटी मिलती है? 826 जी। और 927। अच्छा जी। 29। हाँ 29-60 जी। अच्छा। हाँ जी, काफी वैरायटियां मिलती हैं। बढ़िया बढ़िया। और सब्जी के बीज भी मिलते हैं? हाँ, सब्जी भी मिलती है, बीज भी मिलते हैं जी। और हरे चारे के? हरे चारे के। सरसों वगैरह के भी? सरसों बढ़िया मिलती है। तो अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि जो आप बीज ले रहे हैं, इनमें सबसे अच्छा बीज कौन सा मानते हैं? गेहूं का जी, 826 गेहूं का बीज। 826 है? हाँ जी। कितना निकल जाता है एक एकड़ में? 65 मन तो 60 मन जाता है। अच्छा, एक एकड़ में। किसी किसान भाई ने पिछले साल बोया था ये आपकी जानकारी में? हाँ बोया था जी। अच्छा, तो ये कब बोना पड़ता है? 11वें महीने में। 11वें महीने। इसके अंदर खाद वगैरह क्या कुछ डालना पड़ता है? एक गट्टा DAP। हाँ जी। ढाई गट्टा यूरिया। ठीक है। हाँ जी। और उसके बाद इसके अंदर कोई स्प्रे वगैरह? स्प्रे बस आई दूची कर दो, नॉर्मल करते नहीं करेंगे। पानी वगैरह कितने लेती है ये? पानी 3 जी। 3 लेती है जी। तो हाइट कितनी होती है इसकी? हाइट होती है लग हो जाती है। अच्छा, लगभग 3 फुट। हाँ 3 फुट जी। अच्छा, तो इसकी जो वैरायटी है इसके अंदर कोई बीमारियां वगैरह? बीमारी कोई नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती जी। अभी कोई भी बीमारी नहीं है? बीमारी तो रहता जी। अच्छा, इसके अंदर फिर स्प्रे वगैरह क्या कुछ करना पड़ता? फंगस वगैरह का कोई? फंगिसाइड कोई नहीं आता जी इसमें। कोई स्प्रे करने की जरूरत नहीं है जी। अच्छा, तो जो यहाँ पर बीज मिल रहा है इतनी लंबी लंबी लाइनों का क्या कारण है? यहाँ असली ओरिजिनल बीज मिलता है, सिर्फ यही कारण है। आप कब आए थे? अब आज तड़के सवेरे आए थे जी। कितने बजे? 10 बजे जी। 10 बजे जी। मिल गया बीज आपको? हाँ जी मिल गया, थोड़ा मिल गया। बाकी ले लोगे? बाकी ले लेंगे जी। अच्छा, जैसे आपने यहाँ बीज लिया है, जैसे किसानों के बारे में सुना कि सुबह 4 बजे के भी लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ज्यादा भीड़ उसी की वजह से है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा बीज जो 826 बिक रहा है? 826 बिक रहा है जी। ये दोनों लाइनें उसी की है मुख्य रूप से? अच्छा, अपने किसान भाइयों को ये बताइए कि आप 826 का बीज लेने के लिए इतनी दूर से आए हैं, तो आपको कैसे पता चल जाता है कि ये वाले बीज अच्छे हैं, इस बार यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है? साडे पिंड पहला बीजे हुए थी जी। अच्छा, उसी करके आया, पहला लेके साडे पिंड दे बंदे। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया? हां पता चल गया भाई, अच्छा बीज है। तो अच्छा बीज होने से क्या लाभ होता है? अच्छा बीज हो, पैदावार अच्छी होती है जी। अच्छा, हां जी। मान लीजिए इस बार आप 826 बोएंगे, हां जी, तो यहाँ 50 रुपए किलो आपको मिला है। हाँ जी। अगले साल भी वो बिक जाएगा बीज के भाव? बिक जाएगा। बाकी रोटी जी अच्छी बनती है जी। अच्छा, आटा अच्छा बनता है, रोटी सूखती नहीं। ठीक है, रोटी पोली रहती है इसकी। ये एक वैरायटी में खास बात है? खास बात है, वैरायटी बहुत। अपने किसान भाइयों को बताइए कि जैसे यहाँ पर्ची कटी थी, आपने कितने कट्टे बीज के लिए है? अभी 10 कट्टे लेके जाएंगे जी। अच्छा, अलग अलग साथी मिल करके? तो एक कट्टे का क्या कुछ खर्च है? 2000 रुपए खर्च है। आपने 10 कट्टे ले लिया, यानी कि 20000 रुपए का बीज आपने ले लिया। हाँ जी। अपने किसान भाइयों को बताइए कि बीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को? बीज बहुत अच्छा है जी, 826 बीजना चाहिए किसानों को जी। ठीक है जी। पैदावार अच्छी है जी, बीमारियों से रहित। ठीक है। और अगले साल बीज में बेच करके ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं? मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप अच्छे बीज बोया कीजिए, क्योंकि अच्छे बीजों की ही पैदावार अच्छी होती है। अब जैसे यहाँ पर जो ये लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं, ये मुख्य रूप से किसान भाइयों 826 नंबर बीज के लिए लगी हुई है। बाकी बीज भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। ये जो बीज अगर आप अच्छे बोओगे तो पैदावार ज़्यादा निकलेगी, बीमारियाँ कम आएंगी और आप जो है बचत कर सकोगे। अगर आपने इस बार 826 ले लिया, जैसे इस बार यहाँ 50 रुपये केजी बिक रहा है, और अगर आप अगली साल इस बीज को बेचोगे तो आपका लगभग 50 रुपये किलो बिक जाएगा। तो आप जो है 20 रुपये किलो गेहूं बेचने की बजाय 50 रुपये किलो प्योर बीज अच्छा शुद्ध बना करके बेचिए, ताकि आपको अच्छा लाभ मिल सके। किसान भैया, इसके बाद एक और बात है कि आपकी फसलों के अंदर अगर आपको ना खाद ज़्यादा खाद डालने पड़ेंगे, ना ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तो भी जो है आपको इससे ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सरदार जी आए हुए हैं सिर पे कट्टा रखे हुए। आपको ये वीडियो में कैसे लग रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों।